हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन एकेडमी। दिस इज अंबिदा सराफ। लास्ट सेशन में हमने एमपीपीएससी 2020 की बुक्स एंड रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया था। आई होप वहां पर आपको एक क्लैरिटी मिली हो कि कौन सी बुक्स आपको रिफर करनी है और एक डायरेक्शन मिला हो आपकी तैयारी को। आज के लेसन में हम अपने पुराने सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, मेंस के सिलेबस की डिकोडिंग का। जीएस पेपर वन पार्ट ए पार्ट बी का डिकोडिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज के लेसन में हम जीएस पेपर टू पार्ट ए को, जो क्वालिटी है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, पिछले लेसन में मैंने ये कहा था कि मैं आपके जो आप यूट्यूब पे कमेंट्स करते हैं उसका उन कमेंट्स में जो भी डाउट्स हैं उनको आंसर करूंगी। तो मैं फर्स्ट वीडियो से अगर स्टार्ट करूं, फर्स्ट वीडियो मेरा था प्रीलिम्स के सिलेबस चेंज के बारे में। उसमें पहला डाउट है स्टूडेंट का कि वर्ल्ड हिस्ट्री रिमूव हो गया है क्या प्री और मेंस से। हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री टोटली रिमूव हो गया है प्रीलिम्स और मेंस दोनों से। ओके, सेकेंड डाउट ये था एमबीपीएससी फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए कैसे क्या तैयारी करनी है। तो एमबीपीएससी फॉरेस्ट सर्विसेज का मैंने पर्सनली मेंस नहीं दिया है, लेकिन मेंस का अगर उसमें एक आइडिया पूछे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोलॉजी, इन तरह के सब्जेक्ट से आते हैं। अगर आप लोग उस पर एक लेसन चाहते हो तो मैं ऐसे कुछ कैंडिडेट, सिलेक्टेड कैंडिडेट से बात करके हम एक लेसन उस पर भी डिजाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, तीसरा डॉक्टर, लूसेंट से पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, लूसेंट की पढ़ाई आपको ऐसे नहीं करनी है कि आपकी फर्स्ट बुक ही लूसेंट हो। लूसेंट आपको तब पढ़नी है जब आप अपनी एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स को एक बार पढ़ चुके हो। लूसेंट से सिर्फ आप एक समरी के रूप में फैक्चुअल चीजों को रिवाइज करोगे, ठीक है। तो अगर आप लूसेंट को पहले इंस्टेंस में उठा लोगे, आपको कभी समझ नहीं आएगी, क्योंकि उसमें कंसेप्ट या थियोरी कुछ दी नहीं रहती है। उसमें सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वन वर्ड आंसर्स दिए रहते हैं, है ना। तो आप लूसेंट को सबसे पहला पॉइंट दूसरी बुक्स पढ़ने के बाद पढ़ो। सेकेंड नंबर, सेकेंड पॉइंट जो है लूसेंट को पढ़ने के बारे में, कि आपको एक बार में चीजें याद नहीं हो पाएंगी लूसेंट की, आपको उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़ेगा। ये सॉरी, आपको मैंने हमेशा ये कहा है कि रटाफिकेशन पे आप ध्यान मत दीजिए। रटाफिकेशन तरीका नहीं होता है चीजों को पढ़ने का। आप रिविजन, रिविजन जो बोलते हैं हम, बार बार देखिए चीजों को, तो अपने आप माइंड के अलग अलग हिस्सों में जाकर के सेटल होती जाती है एज अ विजुअल मेमोरी। तो आप पहला पॉइंट ये, लूसेंट आपकी फर्स्ट बुक नहीं होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट ये, आप उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, 5 बार पढ़ो, 6 बार पढ़ो, तब जाकर के आपको चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि लूसेंट आप ए टू जेड आपको नहीं पढ़ना है लूसेंट को, कि हिस्ट्री से शुरू किया और मिसलेनियस पे जाकर के खत्म किया, ऐसा नहीं है। आप अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ हिस्ट्री के 30 पेजेस पढ़ो। वो 30 पेजेस को आप 5 बार पढ़ो, उसमें कॉन्फिडेंट हो जाओ जब, उसके बाद फिर आप दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ो। आपको ऐसा नहीं करना है कि हिस्ट्री भी पढ़ ली एक साथ, उसी दिन लाइन में लगे हुए आपने ज्योग्राफी भी पढ़ ली, उसी दिन पॉलिटी भी पढ़ ली, ऐसे में आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। तो लूसेंट को पढ़ने के लिए ये 3 चीजें ध्यान में रखो, और लूसेंट पढ़ना जरूरी है, ठीक है, ये बात भी ध्यान में रखो। नेक्स्ट डाउट है, वर्ड लिमिट कहाँ तक क्रॉस किया जा सकता है। वर्ड लिमिट में 10% का मार्जिन आप रख सकते हो, ठीक है। जीएस पेपर 4 में हाँ, 2 घंटे का टाइम है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा एक दो चीजें ऊपर नीचे कर दी थी, बट आप लोग खुद, मतलब अगर आप मेरी कोई गलती सुधार सकते हो तो इट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर मी कि आप एटलीस्ट खुद भी अपडेटेड हो, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स थैंक यू भी बोलते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी लिखते हैं, तो उनके लिए आई जस्ट से ऑल ऑफ यू पीपल आर मोस्ट वेलकम। और मुझसे जितना हो सकेगा, जब तक हो सकेगा, मैं आप लोग के लिए वीडियोस बनाने का उतनी कोशिश करूंगी कि आपको टाइम टू टाइम हम एक प्रॉपर गाइडेंस देते रहें, क्योंकि मैंने ये देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या मतलब मल्टीपल रीजंस होते हैं जिस कारण से वो एक प्रोफेशनल पेड गाइडेंस नहीं ले पाते हैं। तो उनके लिए आई वुड से कि रादर देन गोइंग फॉर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, इफ आई कुड हेल्प यू इन दिस वे, इट्स फेयर इनफ, ठीक है। थर्ड वीडियो जो था मेरा, वो था हमारा मेंस का सिलेबस चेंज पे, ठीक है। इसमें मैं जल्दी से डाउट्स पढ़ लेती हूँ। आंसर राइटिंग पे हम डिस्कस करेंगे नए पैटर्न के अनुसार, एक बार सिलेबस डिकोडिंग खत्म हो जाए, ठीक है।
हाउ टू टैकल 5 मार्क्स क्वेश्चन, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट. ओके ओके, इसमें ज़्यादा डाउट्स नहीं थे. नेक्स्ट लेसन हम आ जाते हैं GS पेपर 1 पार्ट 1. इसके सिलेबस डिस्कशन में काफ़ी सारे डाउट्स हैं. MP डायनेस्टीज वाला पार्ट ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होगा या जितना बुक में दिया है? ये आपको अच्छे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, और इसमें आपको जितना कंटेंट मिले आप सारे कंटेंट को एक साथ कंपाइल करके अपने नोट्स बनाओगे. सपोज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भोपाल डायनेस्टी की, ठीक है? तो भोपाल डायनेस्टी कब एग्जिस्टेंस में आई, ठीक है? फाउंडर कौन था इसका, इसमें सक्सेसिव रूलर्स कौन कौन थे, कोई इनकी पॉलिसीज क्या क्या थी, किस तरह का इनका एडमिनिस्ट्रेशन होता था, क्या और क्या क्या कॉन्ट्रोवर्सीज हुई या क्या क्या इश्यूज हुए. भोपाल में एक बहुत बड़ी चीज थी, फीमेल रूलर्स की अच्छी डोमिनेंस थी, तो फीमेल रूलर्स के बारे में आप एक आपके पास प्रॉपर टाइमलाइन होनी चाहिए, कब कौन सी रूलर थी, ठीक है? उनकी क्या पॉलिसीज थी, भोपाल के तालाब जो थे वो कौन से रूलर ने बनवाए हैं, तो आपको, और फिर वो डायनेस्टी का एंड कैसे हुआ, फ्रीडम मूवमेंट में उनका क्या रोल था, ठीक है? फ्रीडम मूवमेंट के पर्सपेक्टिव से आप जरूर देखिएगा इन डायनेस्टीज को. तो ये मतलब मैं एक ओवरऑल बोल रही हूँ, आपको हर डायनेस्टी के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन हो सकती है उतने सब हेडिंग्स में आपको ये कवर करना है, ठीक है? मैम प्लीज अपलोड ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस ऑफ ईच यूनिट, इट इज हेल्पफुल फॉर दोज हु हैव स्टार्टेड, हु हैवंट स्टार्टेड इट. देखिए ये ना वीडियोज के थ्रू, मतलब ये हम तब कर सकते हैं जब हमने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हों. तो इसके लिए आई वुड से कि अगर मैं अनअकैडमी के प्लस कोर्सेस लेना स्टार्ट करती हूँ तो आई विल गो अबाउट इट टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है? क्योंकि इसमें हमें बहुत डिटेल स्टडी, पहले तो आपको स्टडी करना पड़ेगा कि ये चीज़ है क्या, फिर उसमें से कितने क्वेश्चंस निकल के आते हैं. तो इट इज नॉट गोइंग टू बी एन ईजी टास्क, इट हैज टू बी डन टॉपिक बाय टॉपिक. ओके आकार IAS के नोट्स मैंने देखे नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि आकार के नोट्स अच्छे होते हैं, लेकिन मैंने उसमें एक प्रॉब्लम ये भी सुनी है कि आजकल हर बच्चे के पास आकार के नोट्स हैं तो वो रेपिटेटिव हो जाते हैं. तो मतलब ये सब मैं हियर से बोल रही हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इससे इसमें ज़ीरो है. तो आप देख सकते हो उसमें क्या है कैसा है, आपके रिक्वायरमेंट को सूट करते हैं कि नहीं वाले नोट्स. जितना आपको सिलेबस में दिया गया आपको सिर्फ उतना पढ़ना है, चाहे ज्योग्राफी हो चाहे डायनेस्टी हो. अगर आपको 6 डायनेस्टी दी आपको सिर्फ 6 डायनेस्टीज पढ़नी है, 7वीं नहीं पढ़नी है. अच्छा दूसरा डाउट ये है कि मैं अपने बिजी वर्क स्केड्यूल में से पढ़ाने का टाइम कैसे अफोर्ड कर पा रही हूँ. सो सी एक लेक्चर बनाने में मुझे ऑलमोस्ट 40 to 50 मिनट्स लगते हैं, ठीक है? 1 घंटे का समय हम मान लें और आधा घंटा मुझे उसकी प्रिपरेशन करने के लिए. तो मुझे लगता है मैं दिन में 1.5 घंटा, तो किसी भी ऑफिसर को इतनी लिबर्टी हो सकती है कि वो अपने स्केड्यूल में से 1.5 घंटा निकाल सके, ठीक है? तो इसलिए मैं बनाती हूँ, और फिर बना भी तो आप ही लोगों के लिए रहे हैं, तो आप लोग उस पर अच्छे अच्छे आप लोगों के कॉमेंट्स आते हैं, को पढ़ने में कभी मज़ा भी आती है. हाँ एक बहुत कॉमन डाउट है, आंसर राइटिंग करते टाइम हाथ इंग्लिश में तेज चलता है पर वोकैब कम पड़ जाती है. 12th तक हिंदी मीडियम था. जस्ट होल्ड ऑन सेकंड, आई नीड टू अटेंड दिस कॉल. हेलो जी सर. हाँ सर आ रहे आए हैं.
I'm very sorry. I hope this answers your question that how I am affording time. This is how we have to take out time. Okay? हाँ तो ये डाउट रहता है कि हिंदी मीडियम से दे कि इंग्लिश मीडियम से दे. अगर 12th तक पढ़ाई हिंदी मीडियम में की है उसके बाद इंजीनियरिंग कर ली है तो इंग्लिश मीडियम कर लिया है. ठीक है तो इसमें देखो अभी जो नया पैटर्न चेंज हो गया उसमें तो राइटिंग स्पीड इतनी मैटर नहीं करती है क्योंकि 950 शब्दों की वर्ड लिमिट कम हो गई है. मतलब कि लगभग 40 मिनट आपके हाथ में है एक्स्ट्रा. तो अब राइटिंग स्पीड बहुत ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर नहीं है. तो अब आप फोकस करो जिसमें आप क्लैरिटी के साथ अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो. ठीक है आप मैंने इसमें तरीका आपको बताया है. आप एक पुराना पेपर उठाओ कुछ पुराने क्वेश्चन उठाओ. 6 मार्क के कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करो. 15 मार्क्स से कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करो पुराने वाले. और ये देखो कि आप अपने आप को बेहतर किस भाषा में एक्सप्रेस कर पा रहे हो. दोनों में आंसर्स लिखो हिंदी में भी लिखो इंग्लिश में भी लिखो सेम क्वेश्चन के. और फिर खुद को आपको इवैल्यूएट हो जाएगा कि मैं किस भाषा में अच्छे से लिख पाऊंगा. ठीक है स्टडी मटेरियल की दोनों में कोई कमी नहीं है. राइटिंग स्पीड अब मैटर नहीं करती है. अब केवल और केवल इंपॉर्टेंस रखता है कंटेंट. तो कंटेंट आप अपने व्यूज कैसे एक्सप्रेस कर पा रहे हो. ठीक है ये एक्सरसाइज आप करके देख सकते हो. ठीक है वर्ल्ड हिस्ट्री छोड़ दो इसमें भी पूछा गया है. ये कैसे अज्यूम करें कि क्वेश्चन 5 मार्क का आएगा या 11 मार्क का आएगा. तो ये आपको तभी अज्यूम कर पाओगे आप जब आप पुराने पेपर्स को रेफरेंस में रखोगे जब आप सिलेबस को रेफरेंस में रखोगे और जब आप कोई टॉपिक पढ़ोगे और उसमें से आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक के अंदर ही 5 पॉइंट बन रहे हैं. सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट बन रहे हैं. तो वो 5 पॉइंट्स अगर बन रहे तो वो 5 मार्क्स में आएंगे. राइट ठीक है ये क्वेश्चंस हो गए हमारे 4th लेसन के. फिर हम फटाफट देख लेते हैं 5th लेसन को. आपको टॉपिक्स को करंट अफेयर्स के साथ लिंक करके आंसर लिखने हैं. ठीक है आपको हमेशा एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे. जिसको अपनी बर्थ डेट के रिस्पेक्ट में डाउट है अनिल पाटीदार है एक स्टूडेंट 2001 बॉर्न. आप एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा उसमें कट ऑफ डेट लिखी रहती है. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. हाँ राहुल उपाध्याय कहते हैं कि इतना तो सबको पता है बट प्रॉब्लम इज वर्ल्ड ज्योग्राफी वास्ट सब्जेक्ट है एंड यू डिड नॉट डिस्कस एस्पेक्ट ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी. यू सेड व्हाट टू रीड बट यू डिड नॉट से हाउ टू रीड. हाउ विल द क्वेश्चंस वी आस्क्ड इन द एग्जाम हाउ टू हैंडल 5 मार्क्स क्वेश्चन नॉट सेटिस्फाइड. ठीक है तो देखिए हम यहाँ पर वीडियो में यही तो बता सकते हैं आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है. ठीक है अब हम ये बता देंगे आपको क्या पढ़ना है इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है. अब उसको किस तरीके से आपको याद करना है मैंने ये भी बताया आपको. आंसर्स कैसे लिखने हैं आपको डायग्राम्स कौन से बनाने हैं उसको इंटरनली कैसे पढ़ना है आप किस तरह से रिटेन कर रहे हो अंडरस्टैंड कर रहे हो ये तो पर्सन टू पर्सन स्टूडेंट का इनपुट रहता है. ठीक है इसमें अ टीचर कैन नॉट मेक यू टोटली स्पून फीड यू. ठीक है तो जितना हो सकता है हमारा वीडियो से मैं कोशिश करती हूँ मैं पहुँचा सकूँ. बाकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसको किस तरह से हैंडल कर रहे हो. आंसर राइटिंग भी मैंने डिटेल में बताई है कैसे करनी है. ठीक है नेक्स्ट हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन. ये हो गया अब लास्ट जो हमारा लेसन था बुक्स एंड रिसोर्सेज वाला उस पर आ जाते हैं. इसमें जो स्टूडेंट्स के डाउट हैं
आंसर राइटिंग ठीक है, हम एक लेसन आंसर राइटिंग पे रख देंगे। ज्योग्राफी वगैरह में जो जो टॉपिक्स मेंशन है सिलेबस में, आपको सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ने हैं, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, एमपीपीएससी आप चाहे जॉब कर रहे हो चाहे बिना कोचिंग के पढ़ रहे हो, आप क्लियर कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी लिखा है, जैसे अंशु नखाते ने, कि मैं इंटरनेट से पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरा आधा सिलेबस कंप्लीट हो भी चुका है, तो इट इज़ वेरी गुड, है ना। आप इसी तरह अपनी इंटरनेट से और मल्टीपल सोर्सेस से आप कंपाइल करके तैयारी करिए। ओके, सो ओवर हियर वी कवर द डाउट्स। ठीक है, अब हम फटाफट हम आ जाते हैं जीएस पेपर टू पार्ट ए क्वालिटी में। अगले लेसन, अभी हमें बस 6 वीडियोस के डाउट्स थे इसलिए हमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया। नेक्स्ट लेसन से हम सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस वीडियो के डाउट यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, जनरल स्टडीज पेपर टू पार्ट ए, दैट इज क्वालिटी, इसमें दिया गया है सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशन और आपका कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, पोलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ये हमारे टॉपिक का नाम। ओके, पेपर का सिलेबस हमारा 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट यूनिट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की कई सारी चीजें दी हुई है जो आपको लक्ष्मीकांत से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, यूनिट 2 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड इंडियन पॉलिटिक्स। यूनिट 3 है हमारी इंडियन डेमोक्रेसी। ये जो यूनिट्स के नाम है ये एज सच सिलेबस में दिए नहीं गए हैं, लेकिन ऑब्वियसली अगर किन्हीं चीजों को एक एक यूनिट में डिवाइड किया गया है तो कुछ उसके पीछे एक आइडियोलॉजी होगी कि इसमें सिमिलर चीजें हैं, तो मैंने उसी के अनुसार निकाल करके एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए कि बेसिकली ये यूनिट किस टॉपिक से डील करता है, मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया है। ठीक है, यूनिट 4 है हमारा इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। यूनिट 5 है हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये बेसिक 5 यूनिट्स हैं हमारे। यूनिट 1 को हम फटाफट देख लेते हैं। यूनिट 1 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, इसमें हमें 4 चीजें पढ़नी है, दैट इज योर इसका फाउंडेशन, फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब ये किन किन चीजों से बना है, हिंदी में बोले तो संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण आपको ये वाला यूनिट आपको पढ़ना है टोटली लक्ष्मीकांत से। ठीक है, लक्ष्मीकांत लूसेंट। ठीक है, यहाँ से आपको ये और 11th क्लास की एनसीईआरटी, ये 3 सोर्सेस से आपको अपनी पूरी पॉलिटी पढ़नी है और स्पेशली वाला यूनिट आपको पढ़ना है। देखो, इसमें जो दिया है आपको सिर्फ और सिर्फ उतना पढ़ना है, बहुत ज्यादा उससे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो संविधान का निर्माण, संविधान के निर्माण में कौन कौन से एक्ट थे जो इसके बेसिस बने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है मान लो, कौन कौन से दूसरे कंट्रीज के संविधान थे जो कि इसका बेसिस बने, जिनसे एलिमेंट्स उठाए गए हैं, वो आपको पढ़ना है। तो बहुत ही ईजिली आपको लक्ष्मीकांत में ये वाली चीजें मिल जाएंगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी आपको मिल जाएगा लक्ष्मीकांत में, कि इट इज द लॉन्गेस्ट रिटन, इट इज द मोस्ट डाइवर्स, इट इज ये, इट इज वो। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएंगे। इजीली आपके कैरेक्टरिस्टिक्स 5 मार्क्स के या 11 मार्क्स का क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, फिर है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको लक्ष्मीकांत में एक बहुत छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, आपको वहां पर पढ़ने को मिल जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर से इसके पहले भी 15 मार्क्स के क्वेश्चन आ चुके हैं और 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। अगर आपने मेरे पुराने अनअकैडमी के वीडियोस देखे होंगे, वहां पर मैंने इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स का एक लेसन बनाया हुआ था, जहां पर डिटेल में हमने सारे अमेंडमेंट्स को एक बार डिस्कस किया था। आप चाहो तो अभी भी अनअकैडमी के ऐप पर वो वाले वीडियोस अवेलेबल है, इनफैक्ट यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। ठीक है, आप एक बार चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो, बाकी लक्ष्मीकांत में तो है ही गिवन। ओके, सेकेंड जो टॉपिक है हमारा फर्स्ट यूनिट का, वो है कंसेप्चुअल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ पे हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स, संविधान की उद्देशिका। ठीक है, उद्देशिका हो गए हमारे, यहाँ पर आपको प्रियाम्बल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, प्रियाम्बल, क्योंकि प्रियाम्बल ही हमें ये बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरफ हमें ले जाना चाहता है, कॉन्स्टिट्यूशन के क्या उद्देश्य हैं। ठीक है,
वी द इसको पावर कहाँ से मिलती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, सोशल, ठीक है, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सॉवरेन नेशन, ये सब जो है, ये वाले जो मतलब व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, एक संविधान हमें किस डायरेक्शन में ले जा रहा है वो हमारा प्रियम्बल बताता है। प्रियम्बल के 2-3 चैप्टर्स दिए हैं लक्ष्मीकांत में, आपको वो पढ़ने हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, अगेन फॉलो लक्ष्मीकांत, मतलब इसको एकदम कंठस्थ कर लेना है आपको ये वाले को। उसके बाद आ जाते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हो जाएगा आपका नीति निर्देशक तत्व, ये भी बहुत अच्छे से आपका लक्ष्मीकांत में दिए हुए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज, ये ऐसे टॉपिक है जो 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 5 मार्क्स में भी, 11 मार्क्स में भी। अगर आपसे से आर्टिकल 14 पूछ लिया तो आप 3 नंबर में भी लिख लोगे। अगर आपसे ये पूछ लिया कि राइट टू रिलीजन के संबंध में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, कौन से लेकर के कौन तक, उसको एक्सप्लेन करो, ठीक है, तो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। 11 मार्क्स में आपका बन जाएगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, या राइट्स विदाउट ड्यूटीज इज लाइक अ बॉडी विदाउट सोल, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब इस तरह के आपके कुछ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन भी आ सकते हैं 11 मार्क्स में, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि ये पूछे और सीधा ये लिख दो। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो 3, 5, 11 तीनों मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। सेम गोज विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो जब आप इसको स्टडी कर रहे हो, आपको उसमें से ये देखना है इसमें से 3 मार्क्स के कौन आ सकता है, 5 मार्क्स के कैसे आ सकते हैं, 11 मार्क्स के कैसे आ सकते हैं, ठीक है। और ये मैं यहाँ पर आपको बैठे बैठे स्पून फीडिंग नहीं करा सकती हूँ, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप एक बार टॉपिक पढ़ चुके होंगे, ओके। फिर आ जाते हैं हम फेडरलिज्म पे। फेडरलिज्म अगेन आपको ये एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत से पढ़ना है, इसमें सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के बारे में पढ़ना है। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस एक तो बेसिक होता है ना, थियोरेटिकल हो गया जो, कि किन किन पहलुओं पे सेंटर और स्टेट इंटरैक्ट करते हैं, इकोनॉमिक हो गया, लेजिस्लेशन के बारे में हो गया, पॉलिटिकल हो गया, ठीक है, ऐसे मामलों में सेंट्रल स्टेट काम करती है। लेकिन आपको इस वाले पोर्शन में कभी भी अगर आपसे आंसर पूछना है, आपको इसको करंट अफेयर्स से सप्लीमेंट करना है। कोई नया इशू आया है दो स्टेटों के बीच में या सेंटर और स्टेट के बीच में, कहीं प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ हो, अब कहीं पर जैसे गवर्नर्स रूल लागू हुआ हो, ठीक है, तो ये वाली जो सारी चीजें हैं ये आपके सेंट्रल स्टेट रिलेशंस का पार्ट रहेगी, इसको आपको करंट अफेयर्स से सप्लीमेंट करना है। फिर हो गया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये अगेन इसमें थ्योरी और करंट दोनों रहेगा, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, ये भी आपका दिया गया है लक्ष्मीकांत में, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा साथ साथ इसको भी करंट अफेयर्स से सप्लीमेंट करना है। फिर आ जाते हैं लोक अदालत और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अगर ये आपको लक्ष्मीकांत में सेटिस्फैक्ट्री, आपको अगर लगता है कि मजा नहीं आ रही है पढ़ने में, तो आप इसको जरूर गूगल या इंटरनेट से भी पढ़ सकते हो, ओके। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यूनिट 2 पर। यूनिट 2 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में सिर्फ यहाँ पर 5 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज दी गई हैं, आपको 6वीं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को हाथ नहीं लगाना है, सिर्फ इतना पढ़ना है। इसमें भी आपको स्टैटिक तो पढ़ना ही पढ़ना है, 3 मार्क के क्वेश्चन आ जाएंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल कितना होता है या वर्तमान में कौन है, ठीक है, कितने इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बाकी इलेक्शन कमिश्नर के सामने क्या पोजीशन होती है, क्या कोई भी प्रस्ताव पारित करने के लिए अकेला चीफ इलेक्शन कमिश्नर काफी है कि उसको बाकी दोनों तीनों की भी सहमति लगेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल लेंगे 3 मार्क्स में, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा कि ऐसे कौन से पावर दिए गए हैं संविधान में जिसके कारण इलेक्शन कमीशन की ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता इंश्योर होती है, तो ये आपका आ जाएगा 5 मार्क्स में। ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये 5 मार्क्स में आएगा, आप लक्ष्मीकांत खोलोगे, उसमें आप देखोगे कि इसके पीछे मतलब इस टॉपिक के अंदर कि ट्रांसपेरेंसी या हाउ टू इंश्योर इंडिपेंडेंस के अंदर 6 पॉइंट दिए हुए हैं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये तो 5 मार्क्स में ही आ सकता है, ओके। इसके अलावा अगर कोई भी रिसेंट न्यूज आई हो, आपको न्यूज को भी फॉलो करते रहना है,
और उसके भी पॉइंट बाय पॉइंट नोट्स बनाते चलना है ताकि कभी भी आप अपने आंसर में उसको यूज कर सको। फिर हो गया कैग, यूपीएससी, एमपीपीएससी और नीति आयोग। एमपीपीएससी के लिए एज सच आपको स्पेसिफिक मटेरियल नहीं मिलेगा लक्ष्मीकांत में, इसके लिए आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वाला जो चैप्टर है वो पढ़ोगे, और कुछ जो एमपीपीएससी के बारे में विशेष बातें हैं वो आप एमपीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर के कि कब स्थापित हुआ, पहला चेयरमैन कौन था, वर्तमान चेयरमैन कौन है, ठीक है, क्या क्या कार्य हैं इसके, वो सब आप उसकी वेबसाइट से आप बना लोगे अपना। सिर्फ एक पेज का नोट चाहिए, अगर कभी एमपीपीएससी पे क्वेश्चन आएगा भी तो वो सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है, या 3 मार्क्स को तो हम मान के चलते ही है कि कोई भी फैक्ट 3 मार्क्स में आ सकता है, पर अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो 5 से ज्यादा नंबर का नहीं आ सकता। नीति आयोग ये हमेशा न्यूज में बना रहता है, स्टैटिक क्वेश्चन तो आपको पढ़ना ही है लक्ष्मीकांत से, करंट को भी सप्लीमेंट करते रहना है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम इंडियन पॉलिटिक्स पे। इंडियन पॉलिटिक्स में एक टॉपिक है रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, रोल ऑफ रिलीजन इन इंडियन पॉलिटिक्स, रोल ऑफ क्लास, रोल ऑफ एथनिसिटी, रोल ऑफ लैंग्वेज एंड रोल ऑफ जेंडर। तो आप इसको ये मान के चलो दिया तो ये एक टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 सब टॉपिक्स हैं, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सब टॉपिक आपसे 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। तो आपको हर एस्पेक्ट को आपको यहाँ पर 5 मार्क्स के हिसाब से प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये तो हो गया वो, अगर आपसे सपोज ये पूरा का पूरा टॉपिक आपसे अगर पूछा जा रहा है 15 मार्क्स में कि डिस्कस द रोल ऑफ कास्ट, रिलीजन, क्लास, एथनिसिटी, लैंग्वेज एंड जेंडर इन इंडियन पॉलिटिक्स, तो भी आप इसको 6 सब पार्ट में डिवाइड करके अपना आंसर लिखोगे, ठीक है। तो अगर आपने 200 वर्ड्स को आपने 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया तो आपको लगभग 33 को आप मान लो 35, यू ऑलमोस्ट हैव टू राइट 35 वर्ड्स फॉर ईच सब हेडिंग। तो मतलब ये भी यहाँ पर हमारे 6 पॉइंट्स बन जाएंगे आपके 200 वर्ड्स के लिए, ठीक है। देन आ जाता है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज एंड वोटिंग बिहेवियर इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो इसमें भी 2 टॉपिक हैं, पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी नेशनल होती है, कौन सी स्टेट होती है, कैसे डिसाइड होता है, कौन कौन सी हैं भारत में, ठीक है, ये वाला भी आपको पढ़ना होगा लक्ष्मीकांत से, स्टैटिक पोर्शन। और फिर आ जाता है ये कंसेप्चुअल पोर्शन, पॉलिटिकल पार्टीज एंड वोटिंग बिहेवियर इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये 2 चैप्टर्स का, इसको आप पढ़ सकते हो जो हमारी 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी है, ठीक है, इंडियन डेमोक्रेसी एट वर्क, ठीक है, भारत का लोकतंत्र वाली जो एनसीईआरटी है 9th और 10th की, यू प्लीज स्टडी दिस, इट इज वेरी गुड, ठीक है। बहुत बहुत ही कैजुअल तरीके से आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें यहाँ पर समझाई गई हैं, ठीक है। ये वाला आप एक बार वेबसाइट से डाउनलोड करके पीडीएफ ही पढ़ लेना, वो भी पर्याप्त है। फिर आ जाते हैं सिविल सोसाइटी एंड पब्लिक मूवमेंट। पब्लिक मूवमेंट मतलब हमारा यहाँ हो गया जैसे जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट था, ठीक है, जैसे कि जो अन्ना आंदोलन था, इस टाइप के जो पब्लिक मूवमेंट्स हुए हैं पास्ट में वो आपके पब्लिक मूवमेंट है। और सिविल सोसाइटी होती क्या है, सिविल सोसाइटी का रोल क्या है एक डेमोक्रेसी में, ये सब हमारे आपके ये हो जाते, मतलब ये भी दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर डेमोक्रेसी। अ डेमोक्रेसी विदाउट सिविल सोसाइटी टू चैलेंज इट्स डिसीजंस इज नॉट अ होलसम डेमोक्रेसी, ठीक है। तो सिविल सोसाइटी की क्या इंपॉर्टेंस है ये आप जरूर तैयार करोगे 5 मार्क्स में भी और 11 मार्क्स में भी, ठीक है। इसको आप इंटरनेट से पढ़ सकते हो, और जो मैंने आपको पॉलिटिकल मतलब सोशियोलॉजी और सब की बुक्स बताई थी उसमें भी आपको ये वाला पार्ट मिल जाएगा इंटरनेट पे, पर बेटर कंटेंट मिलेगा। नेशनल इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी इश्यूज, ठीक है, ये अभी इसको बस एक सब पार्ट बना दिया है, पहले ये काफ़ी मेजर पार्ट हुआ करता था हमारे पेपर 2 में, एक अलग से टॉपिक दिया गया था। अब इसमें नेशनल इंटीग्रिटी क्या होती है, सिक्योरिटी इश्यूज इंटरनल और एक्सटर्नल, इसमें से आपका 5 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है और 11 मार्क्स का भी, ठीक है। तो आप कभी भी इससे डील करो, आप इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज अलग लिखोगे, एक्सटर्नल सिक्योरिटी इश्यूज अलग लिखोगे, उनको सबको एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हो गया हमारा नक्सलिज्म इंटरनल में, हमारा लिंग्विस्टिक जो वो रहते थे
लिंग्विस्टिक जो हमारे फाइट्स होते रहते हैं जैसे, और फिर आपका हो गया रीजनलिज्म, ठीक है। रीजनलिज्म मतलब कि मान लीजिए साउथ वालों वाले अपने आप को नॉर्थ वालों से एलियनेटेड फील करते हों, या जैसे लिंग्विस्टिक वाले में हो गया कि जैसे मराठी स्पीकिंग जो स्टेट्स हैं वो चाहते हैं कि जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ के लोग इनमें ना आए, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा रेसिज्म, एक बहुत बड़ा इशू है स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के साथ। फिर आता है हमारा कम्युनलिज्म, ठीक है, ये सांप्रदायिकता, ये सब हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। इंटरनल सिक्योरिटी मतलब हमारे देश के अंदर ही ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि हमारे देश को अनस्टेबल करते हैं, तो वो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, ठीक है। एंटी नेशनल एलिमेंट सेक्शन 124 क्या है, ये वाली जो सारी चीजें हमारे डिबेट्स आ जाती है इंटरनल सिक्योरिटी में। एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो गई हमारी जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान के, मतलब जो बॉर्डर सिक्योरिटी इश्यूज है इंडिया और चाइना के, और मान ली अरुणाचल प्रदेश वाला क्या मुद्दा है, ठीक है, और आपका ये चाइना की इंडियन ओशन में क्या क्या विस्तार के प्लान है, ठीक है। तो ये जो है ये सब आपका एक्सटर्नल सिक्योरिटी इश्यूज में आ जाता है, ठीक है। फिर नेशनल इंटेग्रिटी में ये हो जाता है कि नेशनल इंटेग्रिटी होती क्या है और इसको कैसे इंश्योर कर सकते हैं, कैसे और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और अभी वर्तमान में इंडिया की नेशनल इंटेग्रिटी को आप कहाँ पर आंकोगे, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। फिर थर्ड यूनिट है हमारी इंडियन डेमोक्रेसी की, थर्ड यूनिट हो गई हमारी इंडियन डेमोक्रेसी की, ठीक है, इंडियन डेमोक्रेसी एट वर्क अगर बोले तो। इसके लिए भी आप बुक आपकी रहेगी 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है, ये आप जरूर पढ़ लेना, अच्छी बुक है और इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये वाला जो इसका फर्स्ट टॉपिक है जो है हमारा लोकल गवर्नमेंट, ये आपको पढ़ना है लक्ष्मीकांत से और 11th क्लास की एनसीईआरटी से, ठीक है। अब जब मैं आपको एक बार सोर्स बता देती हूँ तो आप ये आपको उसके अंदर का सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। लक्ष्मीकांत में इसके बारे में जो जो दिया आपको वो सब पढ़ना है, उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है, ये बात आप ध्यान में रखिए। फिर आप उसमें ये नहीं पूछेंगे कि इसके अंदर क्या पढ़ना है, सब पढ़ना है आपको उस सोर्स के अंदर। फिर आ जाते हैं अकाउंटेबिलिटी एंड राइट्स, इसमें कुछ कमीशन दिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कमीशन दिए हैं आपको, सिर्फ और सिर्फ ये 7 पढ़ने हैं। इनका ऑर्गेनाइजेशन, इनके मेंबर्स, इनका रिटायरमेंट, इनका इंडिपेंडेंस, इनके फंक जो भी है, ठीक है, आपको सब कुछ पढ़ना है। आपको लक्ष्मीकांत में भी मिल जाएगा, जो लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा उसको गूगल करना है, जैसे कंज्यूमर फोरम हो गया, ठीक है। फिर आता है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, 9th और 10th के एनसीईआरटी से पढ़ना है आपको, और 11th की भी। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन इन डिसीजन मेकिंग, तो इस आपसे ये पूछ रहे हैं कि डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या क्या है। डेमोक्रेसी के फीचर ये भी है, इसके अलावा और भी कई हैं लेकिन यहाँ पर ये पूछ रहे हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तो आपको तीनों की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि एनजीओ बेसिकली होता क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बेसिकली होता क्या है। इनके डेफिनेशन लिखोगे आप, इनके टाइप्स लिखोगे, कई टाइप के एनजीओ होते हैं, सोशल हो गया और एनिमल वाले हो गए, कहीं डिप्राइव क्लासेस वाले हो गए, ठीक है, इस टाइप के कई सारे एनजीओ होते हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट वाले हो गए और टाइप्स हो गए एनजीओ का। फिर इनका रोल हो गया, ठीक है, इनके बेनिफिट क्या है डेमोक्रेसी में, इनके नुकसान क्या है और किस तरह से एनजीओ के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, वे अहेड। तो अगेन ये वाला जो पोर्शन है आप एक तो स्टैटिक पढ़ोगे, स्टैटिक आप पढ़ोगे इंटरनेट से, इंटरनेट में आपको जहाँ एनजीओ के बारे में जो जो चीजें मिलेगी आप वो पढ़ोगे, और उसके अलावा फिर करंट अफेयर से आप उसको सप्लीमेंट करते रहोगे। कभी कोई मैगजीन है, कभी प्रतियोगिता दर्पण में कोई आर्टिकल मिल गया तो वो आर्टिकल को आप फोटोकॉपी करा के रख लोगे अपने नोट्स में, ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ना है। सिमिलरली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत अच्छा काम कर रही है विलेजेस में, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में भी आप अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। फिर आता है रोल ऑफ मीडिया एंड देयर प्रॉब्लम्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एंड सोशल मीडिया, तो ये तीन अलग अलग टॉपिक्स है समझो। रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड इट्स प्रॉब्लम्स, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आप रोल डिस्कस करोगे और फिर आप उसके प्रॉब्लम्स डिस्कस करोगे। सिमिलरली प्रिंट मीडिया के रोल डिस्कस करोगे और प्रॉब्लम, सोशल मीडिया का रोल और प्रॉब्लम्स,
और सबको आपको 5-5 मार्क्स के अनुसार एटलीस्ट प्रिपेयर करना है, ठीक है, तीनों तीनों टाइप ऑफ मीडिया को, ठीक है। और इसमें भी आप मल्टीपल सेटिंग्स यूज कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और फॉर एग्जाम्पल आप हमेशा एग्जाम्पल भी दोगे उसमें, और फिर उसका रोल और उसकी प्रॉब्लम्स, ठीक है। और मीडिया का रोल तो हमेशा कंट्रोवर्सी का इशू रहता ही है, तो इसको आप करेंट अफेयर से 100-110% आप सप्लीमेंट करोगे। जहां भी मान लो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात आती है तो आप रिसेंट कंट्रोवर्सी को ले सकते हो जो अर्णब गोस्वामी वाली थी, ठीक है, एक एक एग्जाम्पल के तौर पे, सिर्फ एक लाइन में कि फॉर एग्जाम्पल दिस 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 वॉज कुड हैव बीन कंसिडर्ड एज रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म, इररिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म वॉट्स एवर, तो आप हमेशा उसको रिसेंट से कर सकते हो। इस वजह से एक पॉइंट ये भी आता है कि जब 2008 में जो अटैक हुए थे, ताज होटल मुंबई अटैक्स जो थे हमारे 26/11, उसमें मीडिया का रोल बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, ठीक है। तो वो वाले सारे आप एग्जाम्पल्स इस तरह से आप सप्लीमेंट कर सकते हो। फिर आ जाते हैं हम इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, 8 दिए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ 8 पढ़ने, इससे ज्यादा नहीं पढ़ने हैं, और इनकी पॉलिटिकल फिलोसफी पढ़नी है, थोड़ा इनका बैकग्राउंड भी पढ़ना है कि कहाँ से एडुकेशन हुई, कहाँ से इन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करी, कैसे इनके पॉलिटिकल थॉट डेवलप हुए, और फिर फाइनली इनकी पॉलिटिकल थिंकिंग है क्या, व्हाट इज देयर मेन आइडियोलॉजी, तो ये चीज आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है, ठीक है। बुक मैंने लास्ट लेसन में बता दी है। देना जाते हैं हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको 8 टॉपिक्स दिए हैं, इन 8 टॉपिक के अलावा 9वां टॉपिक आपको छूना नहीं है, और ये बहुत ही बेसिक टॉपिक्स हैं। इसके लिए मैंने लक्ष्मीकांत की बुक बताई है आपको, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाली, अगर आपको वो नहीं भी लेनी है आप सीधा सीधा गूगल पर सर्च करके इसमें से नोट्स बना सकते हो इन 8 टॉपिक्स के, और इतना प्यारा टॉपिक है ये, आपको मैं बता रही हूँ 30 मार्क्स में से ये आपको कम से कम 26 से 28 नंबर दे सकता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लो, इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, नया टॉपिक है पर डिफिकल्ट नहीं है, ना ही इसका कंटेंट मिलना डिफिकल्ट है, और बहुत इजी सा टॉपिक है, नया है पर इजी है, ठीक है। फिर आ जाते हैं 2019 के सिलेबस से क्या चेंजेस हुए हैं। सबसे पहला इसमें जैसे जो फर्स्ट था वो था मतलब नाम इसका यही था जो हमारे पूरे पेपर का नाम है, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी भी कही गई थी। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट से पूछ रहे हैं कि मैम जितना दिया है उतना ही पढ़ना है क्या, पॉलिटी में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है क्या, उन्हें पढ़ लें। अगर आप पढ़ना चाहते भी हो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्स्ट्रा, तो ये वाला टॉपिक आप पढ़ सकते हो, ठीक है, कि उसका प्रियम्बल, बेसिक स्ट्रक्चर, FR, ड्यूटीज, DPSP, शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, शेड्यूल, वैसे भी प्रिलिम्स के लिए भी आप पढ़ोगे, अमेंडमेंट्स, इसमें नया मतलब कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज, ये आप पढ़ सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी आप पढ़ सकते हो। जैसे हाँ, नए सिलेबस में दिया है फाउंडेशन, ठीक है, फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का निर्माण, तो निर्माण में हमारी ड्राफ्टिंग कमिटी भी इंक्लूडेड है, तो जैसे उसमें स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि निर्माण में ये पढ़ना है, लेकिन आप इसके हिसाब से ये चीज एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर जैसे सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेचर, सेंट्रल स्टेट एग्जीक्यूटिव, ये स्पेसिफिकली अलग से मेंशन नहीं है नए वाले सिलेबस में, तो आप इसको नहीं पढ़िए, जैसे पार्लियामेंट वार्लियामेंट यहाँ पे मेंशन ही नहीं है न्यू सिलेबस में, तो अगर सिलेबस में नहीं है मेंशन तो आप मत पढ़िए, ठीक है। फिर ये सब यहाँ पर मेंशन है हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, हमारे ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है मेंशन, तो ये वाला पोर्शन आपको अब नहीं पढ़ना है, ठीक है। नेचर ऑफ इंडियन यूनियन, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस दिया है आपको, ये पढ़ना है, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में ही डिवीजन ऑफ पावर भी इंक्लूडेड है, तो आपको डिवीजन ऑफ पावर में सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और ये सब पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रल स्टेट रिलेशंस का ही पार्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी आपको पढ़ना है, सेंटर और स्टेट के बीच में किस तरह से फाइनेंशियल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। देना जाते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, ये वही ये उसमें भी दिया गया है नए वाले सिलेबस में, लोकपाल, लोकायुक्त भी दिया हुआ है, लोक न्यायालय नहीं दिया है आपको नहीं पढ़ना है, लोक न्यायालय दिया नहीं है तो नहीं पढ़ना है, जुडिशरी एज अ वॉच डॉग, ये जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म में ही पढ़ना है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इंक्लूडेड है, ठीक है, ये पढ़ना है आपको।
फिर ये वाले कमीशन जो हैं, इसमें जो कमीशन आपके नए सिलेबस में उतने ही पढ़ने हैं, कोई नया नहीं पढ़ना है। ये जो अदर रिड्रेसल एजेंसीज दिया गया था, ये सब नहीं पढ़नी है आप, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू सर्विसेज, ये सब नहीं पढ़ना है। फिर डेमोक्रेसी एट वर्क, पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंटेशन, ये है अपना, ये आपको पढ़ना है। इलेक्शंस, इलेक्शन कमीशन, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आपको पढ़ना है। फिर आ जाते हैं सीबीओज और ये सब पढ़ना है, रोल ऑफ मीडिया पढ़ना है, सिक्योरिटी पढ़ना है। ये वाला पोर्शन टोटली हट गया है, इसको हाथ भी नहीं लगाना है, देखना भी नहीं है इसकी तरफ, ठीक है। तो दिस इज इट अबाउट 2020 जीएस पेपर टू मेंस पार्ट ए। नेक्स्ट लेसन में हम पार्ट बी डिस्कस करेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप इसमें कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं नेक्स्ट लेसन में इस लेसन के डाउट्स को क्लियर करूंगी। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।